गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर सेफ एंड डूइंग ग्रेट। सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ हाउ आई रिमूव माय फेशियल हेयर्स। गाइस फेशियल हेयर रिमूव करने की बहुत सारी मेथड्स होती हैं, उन सारी मेथड्स के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं और मैं कौन से मेथड यूज़ करती हूँ मैं आप लोगों के साथ लाइव शेयर करने वाली हूँ और साथ ही साथ मैं आप लोगों के साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करूँगी और मैं आप लोगों के कुछ मिथ्स हैं वो भी क्लियर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं एंड आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइज, इट वुड बी अ लॉट टू मी। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज अब हम बात करते हैं फेशियल हेयर रिमूवल के मेथड्स के बारे में जो कि मुझे चार पता है, वैक्सिंग, थ्रेडिंग, लेजर ट्रीटमेंट एंड फेस सेविंग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वैक्सिंग के बारे में। वैक्सिंग इज मोस्ट पेनफुल मेथड गाइस, इसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मैंने करवा ही चुकी है इसलिए मैं बता रही हूँ बहुत ही ज़्यादा पेन होता है। जब वो पुल करती है ना तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने एक खींच के तमाचा मार दिया आपके गाल में। ओह माय गॉड, सोच के ही मेरे ऐसे रोंगटे खड़े होने लगते हैं। देखो फेस सेविंग के बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स हैं। प्रोज तो बहुत सारे हैं, जैसे कि अगर आप एक बार करा लो तो एक दो महीने के लिए बहुत ही आराम से फुर्सत हो जाएगी क्योंकि जो आपके हेयर्स हैं वो पूरे रूट से निकल जाते हैं। एंड कॉन्स इसके भी बहुत सारे हैं कि आपकी स्किन को वो बहुत हार्म करती है क्योंकि जब आपकी स्किन पुल होती है ना बार बार, इसे पुल होगी एक दो महीने में ही सही, लेकिन अगर पुल होती रहेगी ना आपकी स्किन तो आपकी स्किन में बहुत ही जल्दी रिंकल्स आने लगेंगे, आपकी स्किन बहुत जल्दी सैग करने लगेगी एंड आप बहुत ही जल्दी बूढ़े लगने लगोगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं थ्रेडिंग की। तो गाइस थ्रेडिंग तो मैंने यहाँ पे करवाई नहीं है लेकिन मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप यहाँ कहीं पर थ्रेडिंग करवाओ क्योंकि मैं सिर्फ थ्रेडिंग प्रेफर करती हूँ अपने इस एरिया में एंड ये वाले एरिया में। यहाँ पे मैंने कभी भी थ्रेडिंग नहीं करवाई है। एक बार शायद मैंने खुद से कर ली थी तो इतना ज़्यादा पेन हुआ था, ये भी बहुत पेनफुल मेथड है तो मैं आपको थ्रेडिंग तो रिकमेंड नहीं करूँगी। ओके, जो थर्ड मेथड है वो है लेज़र ट्रीटमेंट। लेज़र ट्रीटमेंट के बारे में आपको ज़्यादा नहीं बता सकती हूँ क्योंकि मैंने कराए नहीं है और लेज़र ट्रीटमेंट कराने की इतनी ज़रूरत भी नहीं है। अगर आपके बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि आप लेज़र ट्रीटमेंट कराओ। लेज़र ट्रीटमेंट उनके लिए होता है जिनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, लाइक बहुत ज़्यादा, तो उनके लिए लेज़र ट्रीटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कराना हो कराओ, मत कराना हो मत कराओ। सो गाइस नंबर फोर्थ मेथड है फेस सेविंग। फेस सेविंग मैं खुद करती हूँ इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर सकती हूँ। फेस सेविंग के बारे में आपको बहुत सारी बातें बता सकती हूँ क्योंकि मैंने किया हुआ है। मैं पहले नहीं करती थी, जब से लॉकडाउन हुआ है तभी से मैंने फेस सेविंग स्टार्ट करी है एंड मुझे हार्डली तीन से चार वीक में मुझे करना होता है। 3 से 4 वीक में मेरी ग्रोथ आती है और वैसी ही आती है जैसे पहले थी। मैं आपको बता रही हूँ बहुत सारे मिथ फैले हुए हैं फेस सेविंग के बारे में कि अगर आप एक बार करते हो तो आपके जो दोबारा बाल आते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड आते हैं, ये वो। ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस, बस होता क्या है ना जब आप वैक्सिंग वगैरह कराते हो ना तो आपके जो बाल हैं ना वो रूट से जाते हैं, इसलिए वो जो जब दोबारा आपके बाल आते हैं तो बहुत ही कहना चाहिए वैसे ही आते हैं, है ना। एंड जो हम फेस सेविंग करते हैं तो हमारे जो हेयर्स होते हैं वो सरफेस से कट होते हैं, मतलब ये हमारा जो सरफेस है यहाँ से कट होते हैं, इसके कारण से जो बाल हमारे फिर से आते हैं ना वो हल्के से पोकी होते हैं लेकिन उनकी थिकनेस और थिनेस में कोई भी असर नहीं पड़ता है। देखो मैंने किया हुआ है ना इसलिए मैं आपको सजेस्ट करती हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे कि मेरी कितनी ग्रोथ आई हुई है। मैंने 3 वीक्स मुझे हो चुके हैं तो मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ। कैन यू सी कि मेरी कितनी सी ग्रोथ आई है, कितनी सी। और मुझे 4th वीक और ये आई थिंक सो 4th वीक होगा। ये एक मेथड और होती है जो मैं भूल गई थी बताना जो कि है हेयर रिमूवल क्रीम्स। बट क्रीम्स मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि एक बार मैंने यहाँ पे अप्लाई कर लिया था, ये इस एरिया पे अप्लाई किया था, दूसरे दिन मुझे पिंपल ही पिंपल आ गए थे। मैंने बोला बाप रे, आज के बाद मैं क्रीम्स तो कभी अप्लाई नहीं करने वाली हूँ। हो सकता है मेरी स्किन पर ऐसा हुआ हो बट अगर आप करते हो तो सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ डू अ पैच टेस्ट। यहाँ पे आप पैच टेस्ट कर सकते हो, उसके बाद ही अपनी स्किन पे कोई भी क्रीम्स वगैरह अप्लाई करो। सो चलो मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या यूज़ करती हूँ। सो गाइस मैं यूज़ करती हूँ ये टिंकल रेजर्स। सो ये 3 के सेट्स में आपको मिलती हैं, ये आपकी आराम से एक रेज़र आपकी
एक महीने दो महीने आराम से चलेगी। आप एक रेजर को 2 से 3 बार यूज कर सकते हो, बट आप बशर्ते आप बहुत अच्छे से क्लीन करके रखो। तो आई थिंक सो ये बहुत ही अफोर्डेबल है, 150 में आपको 3 मिल जाती है एंड आपके 4 से 5 महीने के लिए आप फुर्सत हो जाओगे। सो मुझे लगता है ये बहुत ही इनएक्सपेंसिव मेथड है। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं। सो ये है रेज़र एंड ये आपको इस तरीके से कैप के साथ मिलता है एंड ये जो ब्लेड है ये स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है, देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा लेकिन वो रहता है क्या शार्प रहता है, तो आपको बहुत ही सावधानी से करना पड़ेगा। तो चलो अब मैं दिखाती हूँ कि मैं ये कैसे करती हूँ। टिप नंबर 1, सबसे पहले आपको अपने हेयर्स को पीछे करना होगा। सो उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये, क्योंकि अगर आपके हेयर्स आगे रहेंगे ना तो हेयर्स भी कट सकते हैं। इस तरीके से मैं अपने पूरे हेयर्स को पीछे कर लूँगी लाइक सो। सो आपका जो फेस है वो बहुत ही अच्छे से क्लीन होना चाहिए। मेरा फेस बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया है मैंने, मेरे अभी फेस पे कुछ भी नहीं लगा है एक्सेप्ट लिपस्टिक, और कुछ भी नहीं लगा है मेरे फेस पे, नो मेकअप नथिंग। टिप नंबर 2, टिश्यूज, अपने साथ टिश्यूज हमेशा रखें जब आप फेस शेविंग कर रहे हो। तो टिप नंबर 3, एलोवेरा जेल, आपको ऐसे बियर फेस में नहीं करना है, कोई कोई करता भी है बट मैं तो आपको सजेस्ट नहीं करूँगी। आपको यूज़ करना ये एलोवेरा जेल, आप कोई भी मॉइस्चराइज़र भी यूज़ कर सकते हैं बट मैं यूज़ करती हूँ एलोवेरा जेल, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी। सो सबसे पहले मैं अपना जिस एरिया में मुझे शेविंग करनी है उस एरिया में मैं इस तरीके से जेल को अप्लाई कर लूँगी इस तरीके से। ये सो अब मैं ले रही हूँ रेजर एंड आपको रेजर को डायरेक्ट ऐसे नहीं रखना है, आपको रेजर को हल्का सा टिल्ट करके रखना है, ऐसे रखोगे तो लग सकती है। सो ऐसे टिल्ट करके पकड़ना है, मैं थोड़ा सा जूम करती हूँ तभी आपको अच्छे से दिखेगा। आपको जब भी आपको फेस शेविंग आप करो तो हल्का सा आपको स्ट्रेच करना है, इस तरीके से आपको अपनी स्किन को स्ट्रेच करना है एंड देन आपको इस तरीके से रिमूव करना है। गाइस, रेज़र को फेस में यूज़ करना थोड़ा मर्दाना सा लगता है, आई नो, बट इट इज़ आल्सो कॉल्ड डर्मा प्लानिंग। आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हो, आप गूगल में सर्च कर सकते हो। ये एक डर्मा प्लानिंग प्रोसेस होती है जो कि डर्मेट यूज़ करते हैं आपके फेशियल हेयर को रिमूव करने के लिए। हाँ, वो प्रोसेस थोड़ा सा एडवांस होती है बट प्रोसेस यही होती है जो मैं कर रही हूँ। इससे क्या होता है ना, आपकी जो डेड स्किन है वो भी रिमूव हो जाती है एंड बहुत ही अच्छे से आपके जो फेशियल हेयर्स हैं वो रिमूव हो जाते हैं। इस मेथड को ज़्यादातर ब्यूटी ब्लॉगर या फिर मेकअप आर्टिस्ट यूज़ करते हैं, क्योंकि क्या होता है हमें एवरी नाउ एंड देयर मेकअप करना होता है एंड जो हमारे फेशियल हेयर होते हैं उसमें जाके हमारा मेकअप बैठ जाता है जो कि देखने में बहुत ही गंदा लगता है। आप खुद ही जब मेकअप करते हैं तो देखिएगा, लाइट के सामने जाके बहुत ही अजीब सा लगता है आपका जो फेस होता है, बट हेयर रिमूव करने के बाद का जो मेकअप होता है ना वो एक अलग ही लेवल का होता है गाइस, अलग ही लेवल का। अब मैं इस वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर रही हूँ बट हाँ, आपको धीरे धीरे करना है।
गाइस जब आप अपने फोरहेड के हेयर को रिमूव करें तब इस तरीके से आपको अपनी आईब्रो में उंगली रख लेना है ताकि आपकी आईब्रो धोखे से भी कट ना हो। अगर कट हो जाती है तो फिर आप कहीं जाने के लायक नहीं रहेंगे, तो बहुत ही ध्यान से आपको ये करना है। जब मैं अपनी आईब्रो को सेव करती हूँ इससे, तो इस तरीके से करती हूँ। सबसे पहले मैं अपना मिडिल वाले एरिया के जो हेयर्स होते हैं उसे रिमूव करती हूँ, देन मैं अपने आईज़ को हल्का सा स्ट्रेच करके इस तरीके से हेयर्स को रिमूव करती हूँ। गाइज अभी मेरी स्किन ना मुझे इतनी बेबी सॉफ्ट लग रही है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ही स्मूथ एंड सॉफ्ट लग रही है मेरी स्किन। इसके बाद मैं अप्लाई करूँगी मॉइस्चराइज़र। सो गाइज ये है वो डर्ट और हेयर्स जो मेरे चेहरे से निकला हुआ है। That's it for the today's video, guys. अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बाजू में बेल आइकॉन है उसे भी जरूर प्रेस करना ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और सबसे पहले आप उसे देख सको। कमेंट करके जरूर बताना कि आगे आप कौन सी वीडियोस देखना चाहते हो। एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बी हैप्पी एंड बाय बाय।